हाय फ्रेंड्स, द ब्रीदा शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस बार मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट वीडियो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे ब्यूटी, फैशन, कॉमेडी, सेल्फ केयरिंग और इन सबको मिलाकर मिलेगा आपको टोटल इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे चैनल का साथ देते रहे और बढ़ते अपने लेटेस्ट वीडियो की ओर। आपको ना ब्यूटी के बारे में बताऊंगी, न ही फैशन के बारे में, न ही सेल्फ केयरिंग के बारे में। तो गेस करो आज मैं क्या बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाती हूँ, यूट्यूब वीडियो किस तरीके से शूट करती हूँ और इन सब के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं अपना जो मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं किस कैमरे से करती हूँ, मैं किस मोबाइल से करती हूँ, क्या क्या सामान यूज़ होता है, कैसे मैं उसको अपलोड करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड, तो आज मैं कहने वाली थी कि मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करती हूँ ओप्पो F7 मोबाइल और इनका काफ़ी अच्छा 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। तो मुझे और किसी कैमरे की जरूरत नहीं होती, इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और मुझे ये अपना ये कैमरा, खासकर इसके जो फ्रंट कैमरे हैं, जो सेल्फी कैमरे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, 25 मेगापिक्सल का है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो मैं इसके लिए किसी भी कैमरा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कोई और भी मोबाइल नहीं, मेरे पास ये ओप्पो F7 मोबाइल है और मैं उसी से, उसके फ्रंट कैमरे से मैं आपको ये अपना वीडियो शूट करके दिखला रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मोबाइल फिट करने के लिए मेरे पास एक ट्राइपोड है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है और वो ऑनलाइन मैंने अमेजोन से मंगवाया था, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आप चाहोगे तो। वो ट्राइपोड में रख कर अपने वीडियो को शूट करती हूँ। तो ये दो चीज़ें जरूरत होती है। फ्रेंड, तो ये दोनों चीज़ें अभी तक मेरे वीडियो को बनाने में मेरा सहयोग देती है। तीसरी बात है, आप पूछोगे कि मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, मैं या तो कौन सा ईयरफोन यूज़ करती हूँ, कौन सा माइक से रिकॉर्ड करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ये ओप्पो F7 मोबाइल है वो ही काफ़ी अच्छा है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो मैं, आप देख रहे हो कि मैंने कोई भी माइक नहीं लगाया हुआ है, मेरा जो माइक है वो मेरा ये गला है, मैं जो बोलती हूँ वो मेरे फ़ोन एक छोटी बात भी वो रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड, मैं माइक का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जो मोबाइल में जो माइक होते हैं, मेरे फ़ोन के जो माइक हैं, उन्हीं से मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड होती है। तो फ्रेंड, ये तीसरी चीज़ें हैं। और कोई भी एक यूट्यूब चलाने के लिए आपको ये तीन चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी, अगर आपका मोबाइल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी है, तो फिर आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए दो चीज़ ज़रूर पड़ेगी, एक होता है ट्राइपॉड जो कि आपको स्टैंड होता है, आप मोबाइल को उसमें फिट करके अपने कैमरे को या अपने मोबाइल को लगा सकते हो और फिर आप एक वीडियो शूट कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं इस तरीके से अपना वीडियो शूट करती हूँ और फिर उसे मैं उसमें आपको मैं बता दूँ कि पिक्सा लैब से मैं थंबनेल बनाती हूँ। पिक्सा लैब एक ऐप है जो कि थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारे जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी और उसका डिटेल मैं बाद में दूँगी, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं थंबनेल पिक्सा लैब से मैं बनाती हूँ। और तो आप में से भी कोई बन सकता है यूट्यूबर, तो आपको बस अपने मेहनत और लगन से काम करने हैं, उसके लिए बहुत सारे खर्चे करने की जरूरत नहीं, एक पैसा भी आप खर्च नहीं करो और अपना एक वीडियो आप तैयार करके यूट्यूब चैनल बना सकते हो और उसे आप चला सकते हो। लेकिन यही है कि प्रॉपर वे में चलाना होता है, उसके लिए बहुत सारी वेरीफाई करने होते हैं, आपके मोबाइल नंबर, आपके मेल आईडी, ये सभी चीज़ वेरीफाई करने के बाद ही आपको थंबनेल वगैरह का ऑप्शन ओपन होता है। तो ये सारा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए आपको एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आजकल स्मार्टफोन सभी के घर में होते हैं। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट करके, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो अपना सुझाव दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल लेकर आऊंगी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे चला रही हूँ, किन किन बातों की जरूरत होती है और
ये सभी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। अभी मैं भी एक न्यू यूट्यूबर बनी हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल अभी शुरुआती दौर में है, जो तो भी मैं धीरे धीरे मेरे मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं मैं आपको वो आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अभी मैं खुद जो मैंने अनुभव किया है वही अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं है, तो कोई भी बना सकता है। एक अच्छे जो पिक्चर क्वालिटी के स्मार्टफोन होने चाहिए, बस। ट्राइपॉड भी अगर आप नहीं मंगा सकते हो तो आप चेयर टेबल पे लगा के आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप अच्छी तरीके से कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सुझाव दें, अगर बुरा लगा हो तो भी अपना अच्छा कुछ और क्या देखना चाहते हो उसका सुझाव दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।